हाँ जी मेरी YouTube फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या होप एकदम ठीक ठाक हो गया आप सब? ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड है, और अगर आप पिछली 10 वीडियोस उठा के देखोगे कमेंट सेक्शन में एक ही क्वेश्चन बार बार लोगों ने पूछा है, अमेरिका में आईफोन कितने का है और किस तरीके से हम ऑर्डर कर सकते हैं आईफोन इंडिया में अगर हमें ऑर्डर करना है अमेरिका से। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस का मैं जवाब देने वाला हूं। पूरी लिस्ट है मेरे पास आईफोन्स की कि कौन सा आईफोन कितने का पड़ेगा, और आज से आईफोन 12 और 12 प्रो का प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप लेना चाहते हो अमेरिका में तो आप अभी ऑर्डर कर सकते हो। अमेरिका के अलावा बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे प्री ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 23rd से जो फोन है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और इंडिया में जो प्री ऑर्डर है वो स्टार्ट होगा 23rd से। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लो फॉलो, क्योंकि आज से मैंने डील्स जो हैं वो भी डालना शुरू कर दिया। तो आज जितनी भी लेटेस्ट डील्स हैं इंडिया के अंदर जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं, चाहे वो आईफोन की हो आईपैड की हो, मैं डेली अपडेट करता रहूंगा। और वैसे भी जो भी नया अपडेट आता है किसी भी चीज से रिलेटेड मैं सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पे ही शेयर करता हूं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @imhappyaujla। अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से करो फॉलो। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चार आईफोन के मॉडल्स हैं, आईफोन 12 मिनी, 12 12 Pro एंड 12 Pro Max। तो सबसे पहले 12 Mini की बात करते हैं। यहाँ पे 3 स्टोरेज ऑप्शंस हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो वेबसाइट के ऊपर प्राइस होता है उसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता है। तो जहाँ पे मैं रहता हूँ लॉस एंजलिस में, यहाँ पे जो टैक्स है वो है 9.50%। अगर आप ओरेगन में हो, टेक्सास में हो, तो वहाँ पे टैक्स आपको नहीं लगता, तो जो प्राइस वेबसाइट के ऊपर है उतने का ही मिल जाएगा। बट जहाँ पे मैं हूँ और मोस्टली जितनी भी स्टेट्स हैं सब में आपको 7 से 10% के बीच में कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ता है। तो मैं अपनी सिटी के हिसाब से बात करूंगा, और आज यहां पे डेट है 16 अक्टूबर फ्राइडे, रात के 8:30 बज चुके हैं, और अभी जो रेट है इंडियन करेंसी का वो है 73.44, मतलब एक डॉलर का 73.44 मिल रहा है, तो उसी से मैं कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले 12 मिनी का 64GB वर्जन की मैं बात करता हूं, $729 है इस वाले फोन का प्राइस, प्लस 69.26 इसके ऊपर लगेगा टैक्स। तो टोटल जो आपको देना पड़ेगा 12 मिनी के 64GB के लिए वो है $798। अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो जो बेस 64GB आईफोन 12 मिनी है वो आपको पड़ेगा 58,226 का, 128GB का प्राइस है $779। टैक्स की बात करूं तो $74 इसके ऊपर लगेगा टैक्स, और टोटल ये पड़ेगा आपको $853 का। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो बनता है 62,647। अभी बात करते हैं 256GB iPhone 12 mini की, $879 है प्राइस, $83 है टैक्स, और टोटल इसका अमाउंट है $962। और अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो आपको पड़ेगा 70,652 का। अब आ जाते हैं 12 पे, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूएसए से लो या ऐसा कुछ, मैं बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेरीज आती हैं। आईफोन इंडिया में पाकिस्तान में हमेशा से महंगा था, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं, कस्टम है, बहुत सारे पंगे होते हैं जिनकी वजह से जो फोन के प्राइसेस हैं वो काफी ऊपर जाते हैं। बट हर साल आप लोग क्वेश्चन पूछते हो और हर साल मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूं, इस साल मैं फिर से कवर कर रहा हूं। iPhone 12 की अब बात कर लेते हैं, जो 6.1 इंच वाला मॉडल है, 64GB का प्राइस है $829, $78 इसके ऊपर लगेगा टैक्स, $907 का ये फोन आपको पड़ेगा, और इंडियन करेंसी में इसका प्राइस होता है 66,612 रुपीज। 128GB का प्राइस है $879, टैक्स लगेगा $83, $962 का आपको पड़ेगा आईफोन 12 128GB, 70,652 है अमाउंट 128GB आईफोन 12 का अमेरिका में अगर इंडियन करेंसी में हम कन्वर्ट करते हैं। और अब आते हैं 256GB वर्जन पे आईफोन 12 के, इसका प्राइस है $979, टैक्स लगेगा $93 और टोटल अमाउंट हो जाएगा $1,072, और अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो बनता है 78,730 रुपीज। अब आ जाते हैं 12 प्रो पे, 12 प्रो के 3 स्टोरेज ऑप्शंस हैं, 128, 256 एंड 512GB। बेसिक 128GB का प्राइस है $999, टैक्स लगेगा $95 इसके ऊपर, और आपको पड़ेगा $1,093 का। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता हूं तो बनते हैं 80,273 रुपीज। उसके बाद आते हैं 256GB पे, 256GB आपको पड़ेगा $1,099 का, इसके ऊपर टैक्स लगेगा $104, टोटल आपको पड़ेगा $1,203 का, और इंडियन करेंसी में इसका प्राइस होता है $88,382। 512GB की बात करूं, $1,299 है इसका प्राइस, इसके ऊपर लगेगा $123 का टैक्स, और ये फोन आपको पड़ेगा $1,422 का। इंडियन करेंसी में इसका प्राइस होगा
1,04,435 रुपीज। और अब आ जाते हैं सबसे महंगे आईफोन पे, जो कि होने वाला है आईफोन 12 प्रो मैक्स। इसका बेसिक वर्जन जो है उसका प्राइस है $1,099, $104 इसके ऊपर लगेगा टैक्स। टोटल अमाउंट होगा $1,203 और इंडियन करेंसी में इसका प्राइस होने वाला है 88,382। अब यहाँ पे ये जो मैं टैक्स के प्राइसेस की बात करूँ, यहाँ पे 104.41 ऐसे है, बट मैं राउंड करके आपको बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि काफी लोगों को ये सेंस वगैरह समझ नहीं आता, तो मैं पूरा पूरा अमाउंट ही बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं 256 GB वर्जन पे, इसका प्राइस है $1,199, टैक्स लगेगा $113 और $1,312 का ये आपको पड़ेगा विद टैक्स। इंडियन करेंसी में इसका प्राइस होता है 96,357। और अब आ जाते हैं टॉप एंड आईफोन पे, सबसे महंगा आईफोन जो होने वाला है इस साल वो है आईफोन 12 प्रो मैक्स 512 GB, इसका प्राइस है $1,399, इसके ऊपर टैक्स लगेगा $132। टोटल जो इसका प्राइस है वो है $1,531, इंडियन करेंसी में इसका प्राइस होगा 1,12,440 रुपए। अब यहाँ पे 1,12,440 में आपको 12 प्रो मैक्स 512 GB मिल रहा है, बट इंडिया में जो बेसिक प्राइस है आईफोन 12 प्रो का वो 1,19,900 है, तो काफी बड़ा डिफरेंस है प्राइस में। ये तो हो गए सारे ही प्राइसेस, अब बात करता हूँ उस चीज की जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, सारी चीजें कवर करूंगा जो भी आपके कॉमन क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला कि अगर हम अमेरिका से फोन लेते हैं तो क्या वो इंडिया में काम करेगा? बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर यहाँ पे आप जो अमेरिकन मॉडल लेते हो, 5G mmWave वाली टेक्नोलॉजी यहाँ पे मिलती है, आपको पता होगा। साइड में अगर आप आईफोन के देखोगे तो आपको एक एंटीना दिख रहा होगा जो कि बाकी किसी भी कंट्री के आईफोन में आपको नहीं दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में जो आईफोन्स हैं उनके अंदर हमें mmWave वाला 5G मिलेगा, बाकी सब जगह पे सब 6 GHz, बट इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप अगर किसी और कंट्री में इसको यूज करना चाहते हो अब बहुत ही मजे से कर सकते हो, क्योंकि अभी तक क्या होता है, जैसे हमारे पास 4G फोन है तो अगर नेटवर्क नहीं है तो वो 3G के ऊपर भी जाता है, 2G के ऊपर भी जाता है। उसी तरीके से 5G अगर आपके उधर नहीं भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली 4G के ऊपर काम करेगा, तो टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। अब बात करते हैं कि ये अनलॉक्ड होंगे या कैसे होंगे। आज के टाइम में आईफोन XS और XS मैक्स ये वाले फोन और इसके ऊपर जितने भी फोन आए हैं वहां पे लॉक्ड वर्जन नहीं आता है। मैं अगर अमेरिका की बात करूं या ओवरऑल भी अगर मैं बात करूं, एप्पल ने वहां पे बनाना बंद कर दिया है लॉक्ड फोन्स। इससे नीचे वाले जो फोन थे वहां पे लॉक्ड फोन आपको मिलते थे, बट अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो अपने फोन्स के ऊपर लॉक लगाकर रखती हैं। जैसे अमेरिका की बात करूं तो वह है AT&T। मेरे पास वराइजन का फोन है और मैं हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट पे रहा हूं और इंडिया जाता हूं, कहीं भी अगर मैं जाऊं, यूरोप जाऊं, तो कभी भी मेरा फोन ने सर्विस देना बंद नहीं किया। अभी मैं थोड़ा टाइम पहले इंडिया आया था, फोन जो है मेरा बहुत ही अच्छे से चल रहा था। बट अगर आप फुल अमाउंट देते हो या फिर आप एप्पल स्टोर पे जाके खरीदते हो फोन, जहां पे आपको पूरा अमाउंट देना है, पूरे वर्ल्ड में आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आप जितने भी आईफोन आते हैं वो लॉक्ड नहीं होते हैं, अनलॉक्ड आईफोन्स ही आपको मिलेंगे। और अगर आप वराइजन से लेते हो, AT&T से लेते हो और पूरा अमाउंट देते हो तो वो फोन्स अनलॉक्ड होते हैं, बट अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है और आप घपला करने की कोशिश कर रहे हो तो वो फोन इंडिया में जाके नहीं चलेगा। अगर वो AT&T का होगा, वराइजन का होगा, फिर भी चल जाएगा, बट अगर एप्पल चाहे अगर कोई कंप्लेंट कर दे तो वो लोग बैन कर सकते हैं और फिर आपका फोन जो है वो डेड हो जाएगा, ब्रेक बन जाएगा, आप उसको यूज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। बट बेसिक अगर मैं आंसर दूं तो आज के टाइम में आईफोन्स लॉक्ड नहीं आते हैं, अनलॉक्ड आईफोन्स ही आपको मिलते हैं। और अगर आप एप्पल स्टोर से पूरा अमाउंट देकर खरीदते हो, जैसे मान लीजिए $1,000 का फोन है, आपने $1,000 दिया, तो वो फोन आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी यूज कर सकते हो। अब आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो सबसे ज्यादा आप लोग पूछते हो कि भाई हम इंडिया में बैठकर अमेरिका से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो कोई भी तरीका नहीं है, अगर आप अमेरिका में रहते हो तो ही आप ऑर्डर कर सकते हो। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर आपका कोई दोस्त, अगर आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता है, वो आपके लिए फोन खरीद सकते हैं और जब भी वो इंडिया आएंगे तो वो अपने साथ आपके लिए आईफोन लेके आ सकते हैं। बट ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि आप किसी वेबसाइट पे जाओ, आप पे करो और आपको फोन मिल जाएगा और अमेरिका वाले प्राइस में आप फोन ले सकते हो इंडिया में बैठे बैठे, ऐसी स्कीम नहीं है। तो सिंपल सी भाषा में अगर समझाऊं तो कोई भी तरीका नहीं है कि अमेरिका से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सको, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर आप आ रहे हो, आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड है जो अमेरिका में है और अमेरिका से इंडिया वापस आने वाला है, तो आप उनको पैसे दे सकते हो या जैसे भी आपकी चलती है उनके साथ वो आप कर सकते हो। तो बेसिकली वो जब आएंगे तो आपके लिए आईफोन लेके आ सकते हैं, बट ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप घर बैठे बैठे ऑर्डर करो, अमेरिका वाले प्राइस में आपको इंडिया में फोन मिले, तो ऐसा नहीं होगा। और ये थी मेरी वीडियो अमेरिकन प्राइस
प्राइसेस के बारे में और जो भी आईफोन से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पूछते हो उन सबको मैंने कवर किया है। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। और एक चीज, काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई अनबॉक्सिंग कब आएगी, तो हर साल मैं ट्राई करता हूँ जल्दी से जल्दी अनबॉक्सिंग लेके आने की, बट इस बार आईफोन की जो अनबॉक्सिंग है सबसे पहले हिंदी अनबॉक्सिंग में लेके नहीं आ पाऊंगा। मेरे से पहले कुछ और क्रिएटर्स हैं जिनकी वीडियोस आ जाएंगी, कौन है वो आपको डेट आने पे पता चल जाएगा, बट मैं नहीं हूँ, मेरी वीडियो इस बार लेट आएगी। एक छोटी सी चीज थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, अब वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। और जाने से पहले अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया जल्दी से करो फॉलो, मेरी आईडी है @iamhappyaujla। मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, और ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से करो सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।